मनुष्य योनि प्राप्त होना, यह अनेकों जन्मों जन्म का संचित पुण्य फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत कठिन है, अनेकों हजारों जन्मों जन्मों का पुण्य संचित होने से केवल एक बार ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि या मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, यह सोचने से ही पता चलता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि अवकाश, आकाश में अनंत कोटि सूरज से किरणों से भी तेजस्वी ज्ञान एक मनुष्य योनि में जन्म पाकर बोधि सत्व सिद्धार्थ गौतम को संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस तेजस्वी ज्ञान की महत्ता तिन्ही जगत के देव लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध यह कोई भ्रामक मन को भ्रमित करने वाली कल्पना नहीं है। बुद्ध ज्ञान मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को भी जो जन्म प्राप्त हुआ, उन्होंने भी अनेक जन्मों में तथागत भगवान बुद्ध की निस्वार्थ भाव से सेवा करके पुण्य अर्जन किया। उनके पुण्य पारमिता पूर्ण होने के कारण ही उन्हें बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की मनुष्य योनि मनुष्य जन्म पुनः प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार कहा जाता है, 27वें बुद्ध जो दीपंकर बुद्ध नाम से प्रचलित थे, वह एक दिन एक ऋषि आश्रम से अपने अनेकों अरहंत भिक्षु के साथ विचरण यानी विहार कर रहे थे। वह सुमेध बोधि नामक सिद्ध ऋषि का आश्रम था। दीपंकर बुद्ध आश्रम के करीब पहुंचते हैं। आश्रम के रास्ते में कीचड़ था, तथागत दीपंकर बुद्ध अपने आश्रम पधार रहे हैं। यह देखकर ऋषि सुमेध बोधि एवं उनकी पत्नी सुमित्रा देवी को बड़ा हर्षोल्लास हुआ। तिन्नी जगत के देव लोगों के शास्ता देव लोग, ऋषि मुनिवर लोग, अनेकों ज्ञानियों के गुरु तथागत दीपंकर बुद्ध अपने आश्रम अपने भिक्षु संघ के साथ शुभ आगमन कर रहे हैं। इस भगवान से इस संघ से इनके पावन स्पर्श से इस भूमि का कल्याणी होगा, इस भावना से ऋषि आचार्य सुमेध बोधि और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी को बहुत आनंद तो हो रहा था, लेकिन मन ही मन में चिंता में वो डूब रहे थे कि आज अपने आश्रम में तिन्नी जगत के शास्ता गुरु वर्य तथागत दीपंकर बुद्ध अपने आश्रम शुभ आगमन कर रहे हैं। उनके परम पावन चरण कमल अपने द्वार पधार रहे हैं। यह अपना अनेकों जन्मों जन्मों का पुण्य संचय है, लेकिन यह परम पावन चरण कमल आश्रम के नजदीक रास्ते में कीचड़ में गंदगी में पड़ेंगे तो यह कितना पाप हमें लगेगा। इस भावना में विवश होकर सिद्ध ऋषि आचार्य सुमेध बोधि उस कीचड़ को दुर्गंध को रास्ते को सफाई यानी स्वच्छता करने में लगे।
लेकिन समय की कमी होने के कारण वह रास्ते की कीचड़ दुर्गंधी दूर करने में अब असफलता मिली। सिद्ध रुचि आचार्य सुमेध बोधि और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बड़े चिंतित होकर दुखित हुए कि इतने में ही तथागत भगवान दीपंकर बुद्ध और उनका पावन अरहंत भिक्षु संघ ऋषि आचार्य सुमेध बोधि के द्वार पहुंच गए। ऋषि आचार्य सुमेध बोधि अंतर्यामी थे। उन्होंने अपनी आंतरिक मन के प्रभाव से जाना कि यह कीचड़ दुर्गंधी अगर तथागत दीपंकर बुद्ध के चरण कमल को स्पर्श नहीं करेगी तो ही हमें पुण्य अर्जन होगा। तत्काल ही समय में देरी न करते हुए ऋषि आचार्य सुमेध बोधि ने उस कीचड़ और दुर्गंधी पर अपनी लंबी जटाएं और अपना शरीर बिछा दिया तथा दीपंकर बुद्ध एवं उनके अरहंत पावन भिक्षु संघ अपने शरीर से चलकर जाओ ताकि यह कीचड़ और दुर्गंधी उनके पावन चरण कमल को न लगे। यह सब देखकर और ऋषि आचार्य सुमेध बोधि की वाणी सुनकर तथागत दीपंकर बुद्ध गाल में ही मुस्कुराए और अपने मंगलमयी करुणामयी स्वर में आशीर्वाद स्वरूप बोले, ऋषि आचार्य सुमेध बोधि आप धन्य हैं। आपकी करुणामय मंगल मैत्री बुद्ध के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखती है। निश्चित ही इस बुद्ध के प्रति दर्शाई हुई निस्वार्थ करुणामयी मंगल मैत्री के पुण्य फल स्वरूप आप अगले जन्म में बोधि सत्व की योनि प्राप्त करोगे तथा आपकी पत्नी सुमित्रा देवी उस जन्म में भी आपके साथ आपकी सहचारिणी पत्नी बनकर रहेगी। निश्चित ही उस जगत में आप 28वें सम्यक संबुद्ध बनोगे। यह तथागत दीपंकर बुद्ध की वाणी सुनकर ऋषि आचार्य सुमेध बोधि कृत कृत्य हुए। ऋषि सुमेध बोधि और उनकी पत्नी हर्ष उल्लासित हुई क्योंकि वह तथागत दीपंकर बुद्ध की वाणी थी। यह वाणी त्रिकाल सत्य तथा तिन्नी जगत के लोगों को श्रवणीय सत्य वचन वाणी थी। जैसा तथागत दीपंकर बुद्ध ने कहा वैसे ही हुआ। राजा शुद्धोधन तथा महारानी महामाया के राजवंश कुल में सुमेध नामक बोधि सत्व ने अपना रूप सफेद रंग के हाथी स्वरूप स्वर्ण अलंकार सजित प्रकट करके महामाया को पावन पुण्य गर्भ कोख में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हेतु आकाशवाणी से गर्जना की। महामाया ने अनुमति में स्वीकृति दर्शाई। इस कारण ही वही ऋषि आचार्य सुमेध बोधि ने अपना अगला जन्म बोधि सत्व स्वरूप महामाया के पावन पवित्र कोख में प्रवेश पाकर अपनी 10 बल शक्ति को प्राप्त करके 10 माह महामाया के कोख में वास्तव किया। जन्म पूर्व ही बोधि सत्व के अवस्था को परिपूर्ण रूप प्राप्त किया। लुम्बिनी वन शाल वृक्ष के नीचे पुण्य वैशाखी पूर्णिमा के मंगलमयी समय में बोधि सत्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। यह मंगलमय सुवार्ता तिन्ने जगत में आकाशवाणी से गरजने लगी कि जिस तरह बोधि सत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसी जगह सभी देवी देवता बोधि सत्व के जन्म स्वागत हेतु वहां पधारे एवं हर्ष उल्लास के साथ पुष्प रुष्टि करके बोधि सत्व सिद्धार्थ गौतम का मनुष्य लोक इस पृथ्वी धरा पर पधारने हेतु स्वागत किया। इसमें स्पष्टता दिखाई पड़ती है कि
अनेकों जन्मों जन्म से संचित पुण्य कर्म फल से ही बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को जन्म प्राप्त हुआ एवं उन्हें अपनी कठोर तपस्या कठोर ध्यान साधना फल स्वरूप तिन्नी जगत के लोगों को परम सुख प्राप्ति हेतु उन्हें सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई और तिन्नी जगत के लोगों के शास्ता एवं गुरु 28वें सम्यक संबुद्ध कहलाए और संपूर्ण जगत के मानव कल्याण हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव के दुख मुक्ति के लिए सरल मार्ग से अपने धम्म उपदेश धम्म देशना द्वारा मानवता में करुणा भाव मंगल मैत्री जागृत करते हुए महापरिनिर्वाण पद को प्राप्त किया। भवतु सब मंगलं।